नमस्कार, क्या आपको ज़्यादा छींकें आती हैं? वैसे तो कभी कभार दिन में एक दो बार दो चार छींकें आ जाना सामान्य बात है, लेकिन यदि दिन में कई बार और ज़्यादा छींकें आ रही हैं तो यह सामान्य बात नहीं है। ऐसा किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण हो सकता है। ज़्यादा छींकें आने के कई कारण हो सकते हैं। आम तौर पर लगातार ज़्यादा छींकें आने का सबसे पहला कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी के कारण माना जाता है कि वह कमज़ोर हो गई है। नाक में एक श्लेष्मा झिल्ली होती है जिसके ऊतक और कोशिकाएं अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जब भी यह ऊतक और कोशिकाएं किसी तेज गंध वाली वस्तु के संपर्क में आते हैं या धूल मिट्टी के कणों के संपर्क में आते हैं तो ज़्यादा छींकें आने लगती हैं और छींकों के माध्यम से वह उसे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इस तरह से धूल मिट्टी के कणों के बाहर निकल जाने पर या तीव्र गंध आना यदि बंद हो जाता है तो छींकें आना स्वतः ही बंद हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि लगातार छींकें आ रही हैं तो उसके कुछ अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे किसी तीव्र गंध से एलर्जी होना, नाक में चोट लग जाना, नाक की हड्डी का बढ़ जाना, नेजल पॉलिप हो जाना, सर्दी जुकाम और बुखार इत्यादि के होने पर भी ज़्यादा छींकें आ सकती हैं। एलर्जिक रिनाइटिस के कारण भी ज़्यादा छींकें आ सकती हैं और उसके सिम्टम्स भी इससे मिलते जुलते रहते हैं, जैसे घर में जमा धूल मिट्टी के कणों से छींकें आना, पेड़ पौधों के संपर्क में आने से छींकें आना, अचानक तापमान बदलने से एकदम से ज़्यादा ठंड हो जाना या तेज गर्मी हो जाने पर भी ऐसा हो सकता है। पालतू जानवरों से एलर्जी होना या फिर एक बहुत आम सी समस्या है, जैसे गेहूं, दालें या अन्य अनाज को साफ करते समय उनसे निकलने वाली धूल मिट्टी के कणों से भी एलर्जी होना। साइनस के कारण भी ज़्यादा छींकें आ सकती हैं और यह अधिकतर लोगों को देखने में आती है। साइनस के कारण भी ज़्यादा छींकें आ सकती हैं। इसमें सिर दर्द व सिर में भारीपन बने रहना, चेहरे व नाक पर सूजन बने रहना, नाक हर समय भरी भरी महसूस होना, नाक से येलो डिस्चार्ज होना, इस तरह के सिम्टम्स इसमें आते हैं। ड्राई नोज की वजह से भी ज़्यादा छींकें आ सकती हैं। ड्राई नोज आमतौर पर ऐसे लोगों को होती है जिसमें ऑफिस में या अन्य कहीं जहां एसी लगा रहता है और खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं, वहां पर जो हवा में नमी की कमी के कारण ड्राइनेस आती है, या ऐसे लोग जो जब ज़्यादा सर्दी आती है और रूम हीटर चलाकर रखते हैं वहाँ भी ड्राई नोज की संभावना बनी रहती है। ज़्यादा छींकों के लिए कुछ घरेलू उपचार भी हैं जिन्हें आप बिना किसी दवा के घर पर रहते हुए स्वयं कर सकते हैं। भाप लेना, किसी भी बर्तन में तेज गर्म पानी ले और उसके ऊपर इस तरह से बैठें कि उसकी भाप आपके चेहरे और नाक पर लगे और सिर पर तौलिया लपेटकर कुछ देर तक लगातार इस भाप को ले, और यदि इस गर्म पानी में थोड़ी सी अजवाइन डाल दें तो यह और भी ज़्यादा लाभदायी रहता है। कई बार नाक को केवल दबा देने से भी छींक रुक जाती है और यह तुरंत रुक जाती है, लेकिन हर बार ऐसा हो यह संभव नहीं है। जिन लोगों को ज़्यादा छींकें आती हैं उन्हें विटामिन सी से युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे संतरा, मौसमी, नींबू व अन्य खट्टे पदार्थ जिनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। जिन लोगों को ज़्यादा छींकें आती हैं, अगर वह सोते समय हल्का गुनगुना दूध और उसमें हल्दी डालकर उसे लगातार रोज सोते समय लेते हैं तो उसके लिए यह मददगार हो सकती है। यहाँ पर आपको हम कुछ एक्यूप्रेशर बिंदुओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो ज़्यादा
छींक आने की समस्या में मददगार होते हैं और इनके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। सबसे पहला बिंदु, यहाँ पर हम हाथ में सामने की तरफ, इसे यिन साइड कहते हैं, और यहाँ लंग्स की मेरिडियन का बिंदु आएगा LU7। इसको हम पहले एक्टिव करेंगे, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। एक्टिव करने के बाद हम इस पर कोई भी सीड सप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर आपको मूंग सीड सप्लाई करके दिखा रहे हैं। यह मूंग सीड्स है और इसे हम यहाँ LU7 पर अप्लाई करेंगे। सामने की तरफ यहाँ पर हम आपको तीन बिंदु दिखाएंगे। दूसरा बिंदु है K6। K6 की लोकेशन मिडिल फिंगर में आएगी और यह है यहाँ पर इसकी लोकेशन है। इसको भी इसी तरह से एक्टिव करेंगे। हर एक बिंदु को कुछ भी अप्लाई करने से पहले हमें एक्टिव करना चाहिए, इससे इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, इसके रिजल्ट्स आप और बढ़ा सकते हैं एक्टिव करके K6। और तीसरा पॉइंट है पेरिकार्डियम मेरिडियन का, यह है यहाँ पर इसकी लोकेशन है इंडेक्स फिंगर में टॉप पर। इसको भी इसी तरह से एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने के बाद इस पर भी हम इसी तरह से सीड्स अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर मूंग सीड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मेथी सीड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और दो बिंदु हम यहाँ पर आपको हाथ में पीछे की तरफ बताएंगे, यांग साइड में। यह भी हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास मैग्नेट्स नहीं है तो आप मूंग या मेथी सीड्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मैग्नेट्स हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, आप यहाँ पर स्टार मैग्नेट भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टार मैग्नेट इस तरह से होता है और इसको भी इसी तरह से अप्लाई करेंगे। पहले पॉइंट्स को एक्टिव करेंगे, एक्टिव करने के बाद इस पर हम स्टार मैग्नेट अप्लाई करेंगे, ये हुआ LI4। नेक्स्ट पॉइंट LI11, यह है इंडेक्स फिंगर की जॉइंट लाइन जो है, दूसरी जॉइंट लाइन, इस पर आता है, एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने के बाद इस पर हम स्टार मैग्नेट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया है LU7, K6, P9 और LI4, LI11, इन बिंदुओं को दोनों हाथों में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जैसा हमने बताया है कि अगर आपके पास मैग्नेट्स नहीं है तो सीड्स अप्लाई करें, मेथी सीड्स, मूंग सीड्स, और यदि आपके पास मैग्नेट है तो इन पर लगातार कुछ दिनों तक स्टार मैग्नेट अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा छींक आने की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा और जनहित में हम आपसे अपेक्षा करेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।